दोस्तों आज हम जानेंगे आई सी बैंक क्रेडिट कार्ड में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को कैसे एक्टिवेट करते हैं दोस्तों जब कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड आता है तब उसमें सभी ट्रांजेक्शन डिसेबल होता है कार्ड को यूज़ करने के लिए सभी ट्रांजेक्शन को एक्टिवेट करना होगा ट्रांजेक्शन को एक्टिवेट नहीं करेंगे तो सभी पेमेंट फेल हो जाएगा आई बैंक क्रेडिट कार्ड को आई सी मोबाइल ऐप एंड नेट बैंकिंग के थ्रू या ब्रांच आके आप क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं तो चले जानते हैं सी आई बैंक आई मोबाइल ऐप के थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को कैसे एक्टिवेट करते हैं दोस्तों पहले आई बैंक आई मोबाइल ऐप को ओपन कीजिए अगर अकाउंट नहीं है तो अकाउंट डिटेल और क्रेडिट कार्ड डिटेल के थ्रू यहाँ पर रजिस्टर कीजिए देन होम स्क्रीन में बैंक क्रेडिट कार्ड में कार्ड डिटेल्स होगा दोस्तों जब आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव होगा तब तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कार्ड डिटेल्स शो हो होने लगेगा जो कि वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है यहाँ पर आपका कार्ड नंबर सी बी बी एक्सपायर डेट सब डिटेल्स यहाँ पे होगा जब आपका कार्ड अप्रूव होगा तब यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा तो यहाँ पे नीचे मैनेज का ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए देन मैनेज में ट्रांजेक्शन सेटिंग है यहाँ पे डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दो ऑप्शन है डोमेस्टिक में ऑनलाइन एंड मर्चेंट आउटलेट का ऑप्शन है इसे ऑन कीजिए इसको ऑन करने के बाद आप सभी पेमेंट इस कार्ड के थ्रू कर सकते हैं अगर आप कॉन्टैक्ट लेस ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो टैप एंड पे को ऑन कीजिए नहीं तो इसे ऑफ रखिए उसके बाद इंटरनेशनल में भी मर्चेंट आउटलेट एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को ऑन कीजिए इसको ऑन करने के बाद सभी इंटरनेशनल पेमेंट आप इस कार्ड के थ्रू कर सकते हैं ऑन करने के बाद यहाँ पर इंस्टेंटली अपडेट हो जाएगा आप अपनी यूज़ के हिसाब से कोई भी ऑप्शन को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं यहाँ पे ऑन और ऑफ़ करने के बाद इंस्टेंटली आप जो भी चेंज करेंगे वो इंस्टेंटली अपडेट हो जाएगा दोस्तों तो इस तरह आप आई बैंक नेट बैंकिंग के थ्रू भी क्रेडिट कार्ड में ऑनलाइन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं तो ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट पे बताइए एंड अच्छा लगे तो वहाँ लाइक एंड सब्सक्राइब करना थैंक यू फॉर वाचिंग।